हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दिवाली पास में आ रही है और हम सब या तो सफाइयों में लग गए हैं या लगने वाले हैं। इसीलिए मैं आज कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के टिप्स एंड ट्रिक्स क्लीनिंग के आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताऊंगी। इन सबको साफ करने के लिए आपको कोई बाहर से केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं खरीदना है। घर में जो हमारे पास चीजें अवेलेबल है उसी से हम साफ करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत टाइम से इन चीजों को साफ नहीं किया है, जिससे मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिमनी को साफ करने वाले हैं। देखिए कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। सबसे पहले हम दोनों फिल्टर को निकाल लेंगे। यही सबसे ज़्यादा गंदा पार्ट होता है चिमनी में। मैं एक प्लास्टिक की ट्रे ले रही हूँ। आप चाहें तो परात ले सकते हैं स्टील की, या टब भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आप जो हो वो ले लें। और टिश्यू से मैं इसकी एक्स्ट्रा ये जो ऑयल है इसको साफ़ कर रही हूँ, पर ये कुछ भी साफ़ नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है। दोनों को ट्रे में रख के मैं यहाँ पे सर्फ़ यूज़ कर रही हूँ। कोई सा भी सर्फ़ ले लें जो आपके पास हो। उसको पूरा इसके ऊपर मैंने इस तरह से देखिए फैला दिया है। और फिर मैं इस पे देखिए गर्म पानी डाल रही हूँ, जो कि मैंने गीजर ऑन कर दिया है और टेप से निकल रहा है, कंटिन्यू इसी के ऊपर गिर रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ गर्म पानी गिर रहा है वहाँ वहाँ अभी से ही चिकनाहट जो इस पर जमी हुई थी इतनी ज़्यादा, वो निकलती जा रही है। देखिए मैं ट्रे को इधर से उधर घुमा रही हूँ, जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है आप खुद देखिए वहाँ वहाँ से पूरी चिकनाहट निकलती जा रही है। और फिर 10 मिनट्स के लिए हम इसको पानी में इस तरह से छोड़ देंगे। और 10 मिनट्स बाद देखिए ब्रश लिया है, इससे मैं इसको साफ़ करूँगी। आप देखिए 10 मिनट बाद जब मैंने इसको निकाला तो ये कितनी साफ़ लग रही है। सारी चिकनाहट गर्म पानी में ही घुल गई है। और इसकी बारीक बारीक जो जालियां हैं उनको इस ब्रश से अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। इसकी सारी गंदगी देखिए बहुत ही आसानी से निकलती जा रही है। इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से ब्रश से साफ़ करते हुए निकाल देंगे। इस फिल्टर में 3 लेयर होती है, आगे और पीछे, और एक बीच में भी होती है जो हमको दिखती नहीं है। उसके अंदर तक की गंदगी इससे बहुत आसानी से निकल जाती है गर्म पानी से। देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। और फिर इन दोनों को हम साफ़ पानी से साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके फिर इसको आप धूप में सुखा दीजिए। देखिए कितनी साफ़ हो गई, और पहले कितनी ज़्यादा गंदी थी ये, एकदम चमक गई हैं। मैंने इसमें गुनगुना पानी लिया है और इसके अंदर मैं 1 चम्मच सर्फ़ डाल रही हूँ, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। फिर इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डालूँगी। दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। चिमनी अंदर से भी बहुत गंदी हो जाती है। देखिए मैंने एक कपड़ा लिया है, रफ़ कपड़ा, उससे मैं इसकी एक्स्ट्रा जो चिकनाहट है अंदर, पहले वो हटा रही हूँ। सब तरफ से अच्छी तरह से इस कपड़े से पोंछ के हम उस चिकनाहट को हटा लेंगे। अंदर से अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ करने के बाद जो लिक्विड हमने बनाया था, फिर उससे हम पूरी चिमनी को अंदर से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इससे हम पूरे सभी कोनों को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के पूरी गंदगी साफ़ कर लेंगे। और ये जो लाइट रहती है चिमनी के, ये वहाँ की जो शीट है उसको मैंने निकाल लिया है, और इसको अंदर और बाहर से अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ, जिससे ये एकदम क्लीन हो जाए। और बाहर से भी हम इसको पूरा इससे साफ़ कर लेंगे। ये ऊपर जो जाली है इसमें भी देखिए धूल और चिकनाई से गंदगी कैसे चिपक गई है। इसको हम पुराने टूथब्रश से इस तरह साफ़ कर लेंगे। ये बारीक गंदगी ब्रश से आसानी से निकल जाती है। और देखिए बटन है जो जहाँ पे इसके रहते हैं उनके बीच में भी जो गैप है छोटा छोटा सा, उसमें भी देखिए कितनी गंदगी निकली है। फिर इसको पूरा साफ़ करने के बाद एक कॉटन कपड़े से गीला करके हम पूरी चिमनी को साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद देखिए अब वो लाइट वाली ऊपर की प्लेट लगा दी है, और इन फिल्टर को भी वापस से इस पे लगा देंगे।
और हमारी चिमनी पूरी क्लीन हो गई है। मैंने स्टोव में बहुत गर्म पानी लिया है, अच्छा गर्म कर लिया है। फिर उसमें एक चम्मच शैम्पू मिला लिया है और दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें ये एक कॉटन कपड़ा लिया है, आप रुमाल कुछ भी ले लें ये, और ये प्लायर लिया है। इसके हैंडल पे ये रबड़ का जो लगा होता है, इससे हमें करंट नहीं आता। और इस रुमाल को इस तरह से पकड़ के दोनों किनारों पे और बीच में से इस तरह से मोड़ते हुए पूरा पानी हम निकाल लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। और फिर अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद प्लायर में हम रुमाल को फंसा देंगे। अब हम स्विच बोर्ड साफ़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पैरों में स्लीपर पहन लें। कुछ भी इलेक्ट्रिकल चीज़ साफ़ करने के लिए पैरों में सबसे पहले स्लीपर पहने। देखिए हमारा स्विच बोर्ड है, ये बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ है, मेरे पास था नहीं इतना गंदा कोई स्विच बोर्ड, इसलिए मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत गंदा है ये। बिना मेन स्विच बंद किए आप स्विच बोर्ड को कैसे साफ़ कर सकते हैं, मैं ये आज बता रही हूँ। इसीलिए हम प्लायर को यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें करंट नहीं आए। पैरों में आप स्लीपर पहन ही लें और इस तरह से प्लायर से उस कपड़े को पकड़ के जो कि हमने बिल्कुल हॉट वाटर में डाला था, उससे पूरा रगड़ लें। कितनी भी गंदगी हो आपके स्विच बोर्ड के ऊपर, पूरी इससे साफ़ हो जाएगी। दूसरे हाथ को आप कहीं भी दीवार पर कहीं नहीं टिकाएँ और हाथों को बिल्कुल सूखा रखें। जहाँ जहाँ पर गंदगी हो सब तरफ इससे अच्छी तरह से रगड़ लें। दोबारा थोड़ा सा आप इसको पानी में डिप करके, अगर ये सूख जाए तो दोबारा थोड़ा सा डिप करके वापस से इस प्रोसेस को कर सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी होने पे। मैंने मेन स्विच ऑफ नहीं किया है इसलिए देखिए लाइट बंद और चालू हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये ट्रिक मैं आपको मेन स्विच ऑन रहते हुए स्विच बोर्ड को कैसे साफ़ करना है इसीलिए बता रही हूँ। इसीलिए हम प्लायर यूज़ कर रहे हैं। कपड़े से साफ करने के बाद फिर मैं इसमें कॉटन ईयरबड ले रही हूँ जिसको मैंने बिल्कुल सूखा ही लिया है, बिल्कुल गीला नहीं किया है। बटन्स के चारों तरफ जहाँ रुमाल नहीं जा पाता है, इन पतली पतली जगह पर, वहाँ पर इससे आप अच्छी तरह साफ़ कर लें। इससे हम बीच की फंसी हुई गंदगी, छोटी छोटी साइडों में जमा गंदगी सारी साफ़ हो जाती है। पहले जो हमने गर्म पानी से साफ़ किया था उसकी वजह से मैल एकदम सॉफ्ट हो गया है, तो वो आसानी से इससे निकल रहा है। अब देखिए मैंने ये छोटा टूथब्रश लिया है जो कि बच्चों का है, ये हर बटन के बीच में आसानी से घुस जाता है, इसलिए मैंने बच्चों वाला ब्रश लिया है। इससे हम जो ये बारीक बारीक लाइनिंग्स हैं बीच बीच में, इससे सारा मैल इससे निकाल लेंगे, कोनों का, साइडों का, सारी बारीक बारीक गंदगी निकलने से बोर्ड एकदम चमकने लग जाएगा। कितना भी गंदा बोर्ड हो आप इस टेक्निक से साफ़ कीजिए, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और लास्ट में आप इसको कॉटन कपड़े से साफ़ कर लीजिए पूरे बोर्ड को। देखिए पूरा क्लीन हो गया है। अब हम फैन साफ़ करेंगे। इसके लिए मैंने एक पुराना पीलो कवर लिया है, उसे आप इस तरह से इसके अंदर पंखुड़ी में इस तरह से डाल दें और दोनों हाथों से पकड़कर इस तरह से रगड़ते हुए इसे पूरा धीरे धीरे बाहर की तरफ निकाल दें। जो साइडों में जितनी भी गंदगी होती है, मोटी मोटी धूल, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी और नीचे आपका फर्श बिल्कुल गंदा नहीं होगा। और फैन को साफ़ करने के लिए मैंने पानी में एक स्पून शैम्पू डाला है और इसको मिक्स करके यहाँ पर मैं साफ़ करने के लिए स्पंज ले रही हूँ, आप चाहें तो मोजा ले सकते हैं। फ़ैन को साफ़ करने के लिए आप स्क्रबर नहीं लें, उससे हमारे फ़ैन पे स्क्रैच आ जाते हैं। और इस लिक्विड को फिर मैं इससे पूरे फ़ैन पे इस तरह से लगा के अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे हम। फ़ैन को साफ़ करने के लिए आप सर्फ का यूज़ नहीं करें क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी फिनिशिंग कम हो सकती है, इसके लिए हमेशा माइल्ड शैम्पू ही यूज़ करें जिससे आपके फ़ैन की शाइनिंग कभी कम ना हो। और फिर लिक्विड से साफ़ करने के बाद इसे गीले कपड़े से साफ़ कर लें और फिर सॉफ्ट कॉटन कपड़े से इसे पूरा पोंछ लें। इस तरह से हमारा पूरा फ़ैन साफ़ हो गया है। देखिए ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।